Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for SNAP 2021 exam, because in this video I'm going to discuss about 20 days preparation strategy. So guys, पहली बात ये है कि CAT हो गया, अब जो होना था हो गया CAT में, you cannot change anything. अब time आ गया है guys कि आपको बाकी एग्जाम्स भी ध्यान देना है. तो सबसे सही एग्जाम जो आ रहा है इस टाइम पे वो है स्नैप. काफी लोग IFT भी दे रहे होंगे, बट स्टिल मैक्सिमम लोग स्नैप देते हैं. तो गाइस, एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको 20 दिन में पूरा कैसे रिविजन करना है, बिकॉज स्नैप का सिलेबस की बात करें तो उसका सिलेबस कैट से भी ज्यादा है. ठीक है, तो ये वीडियो में आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपको आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके अपना पूरा रिविजन कर सकते हो स्नैप के पहले. तो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आएगा, काफी लोग की हेल्प हो जाएगी, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो. गाइस, वीडियो के एंड में आपके लिए ऑफर भी है हम लोग के क्रैश कोर्सेज एंड मॉक्स के लिए, तो वीडियो पूरा देखना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो स्नैप का. यहाँ पे 4500 प्लस मेंबर्स हैं, यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, मैं क्वेश्चंस पोस्ट करते रहता हूँ, एंड हम लोग कुछ क्विज वगैरह भी करेंगे इसमें, तो आपका बहुत फायदा हो सकता है. जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को स्नैप वाले ज्वाइन कर लो. चलो गाइस, तो ये आपके सामने एक स्टार्ट हम लोग का शेड्यूल है कि आपको कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है 29 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, क्योंकि 19 को काफी लोगों का फर्स्ट स्लॉट है. बाकी स्लॉट जिनका जिनका 8 जनवरी या फिर 16 जनवरी को, वो लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. वैसे अच्छा रहेगा कि आप इसी को फॉलो करो ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तब तक, क्योंकि गाइस अब देखो ऑलरेडी काफी चीजें कर चुके हो, टाइम कम है, तो हम लोग को एक दिन में काफी काफी करना पड़ेगा. गाइस बिलीव मी, अगर 10 जो 20-25 दिन आपके पास हैं, ये आपने अगर अच्छे से कर लिया एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, तो आपका आराम से स्नैप में SIBM पुणे SC से कॉल आ जाएगी. तो गाइस बात करते हैं 29 नवंबर और 1 दिसंबर. तो आपके पास 3 दिन के स्लॉट्स हैं, 29, 30 एंड 1. तो आपको कॉन्ट्स में स्टार्ट करना है अर्थमेटिक्स से, बिकॉज वो सबसे ज्यादा वेटेज होता है. तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, EMA एंड टाइम एंड वर्क, इसके आप जल्दी जल्दी फॉर्मुलेज एंड कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो आपने होती है, आपने कहीं कोचिंग लिया हो या फिर कोई बुक्स आप रेफर की हो, उससे आप देखना. ठीक है, जो आपने पहले कभी रेफर किया उसी को रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. कहीं और से नई चीज पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, पर आपको अगर लगता है कि आपको पहले से ही वो आता है तो आप नई चीजें भी देख सकते हो. ठीक है, तो कौन से हमको ये काम करना है गाइस, और नंबर रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड लेटर सीरीज का रिविजन करना है. ठीक है, VRC में आपको सब्जेक्ट आर्गुमेंट के रूल्स पढ़ने हैं. ठीक है, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जो होता है इसके एग्जांपल्स वगैरह से आइडिया लेना है. बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यही आएगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, अंडरलाइन वर्ड होगा, बोलेगा क्या है ये, विच विच पार्ट ऑफ स्पीच दिस इज, ऐसे वगैरह बोल देगा. ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कंजंक्शन, एडवर्ब, वर्ब वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 दिसंबर तक का. फिर 2nd से 4th में TSD, SICA, रेशन प्रोपोर्शन, APGP आपको करना है. ठीक है, क्लॉक सैंकल इंडेक्स थोड़ा अच्छे से कर लेना है, स्नैप का थोड़ा अच्छा पार्ट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं. क्लॉक्स पे मैं मेनली एक अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं वैरायटी कवर करूंगा, जहाँ पे अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं क्लॉक से वो आएंगे. ठीक है, VRC अगर करें, VRC में idioms एंड phrases हो गया, synonyms एंड antonyms वगैरह हो गया, ये आपको करना है अच्छे से. idioms एंड phrases की मैंने 300 words का idioms के लिए 300 words का एक वो भी है YouTube में वीडियो है, और synonyms के लिए 400 words का है. ठीक है, तो 300 idioms एंड 400 synonyms का एक वीडियो है, वो देख लेना आप YouTube चैनल में हम लोगों के. हम लोग के YouTube चैनल का नाम है गाइस मॉक जोन MBA प्रिपरेशन, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है, 5th से 7 दिसंबर तक आपको अल्जेब्रा मेनली करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मैक्सिमम मिनिमम, लॉग, सर्च इंडाइसेस, ग्राफ्स, फंक्शंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड सिंपल इक्वेशंस. गाइस आपको मैंने कई बार बोला कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज पेपर टफ नहीं आएगा बट वैरायटी आएगी. इस बार देखो आप कैट में भी ऐसे हुआ, स्लॉट 2 में 5-6 क्वेश्चन अर्थमेटिक खाली आए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है. ठीक है, रीजनिंग में आपका डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मिरर एंड वाटर मेजेस, बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो करनी, बिकॉज स्नैप का अच्छा पार्ट है वो. ठीक है, देन VRC में भी है फिगर ऑफ स्पीच, फॉरन वर्ड्स आपको अच्छे से करने हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पर. 8 से 10 दिसंबर आपको कंप्लीट नंबर थ्योरी करना है पूरा, नंबर जो आपको LCM, HCM मॉडल्स वगैरह होते हैं, आपका रिमाइंडर्स हो गया, फैक्टोरियल वगैरह जो भी है, फैक्टर्स, डिविजर, सब. PNC एंड प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना है, बेस थ्योरम, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, PNC में आपका जो डीअरेंजमेंट वगैरह जितना भी होता है सब करना है. देन रीजनिंग में सिलोजिज्म, लीनियर सप्लाई अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज इसमें मेनली सेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आ जाएंगे. VRC में आपको कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स की आइडिया लेना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है. ठीक है, तो गाइस VRC में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 11 से 13 कंप्लीट ज्योमेट्री करनी है आपको, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों मिला के, कुछ भी छोड़ना मत. रीजनिंग में आपको इनपुट आउटपुट देखना है, मिसिंग वैल्यूज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स देखना है, एंड VRC में आपको मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स, होमोनिम्स एंड कलेक्टिव नाउंस. 14 से 16 आपको स्टैटिस्टिक्स करनी है अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी पूरा अच्छे से करना है गाइस, इसको छोड़ना नहीं इसमें. ठीक है, रीजनिंग में आपको क्यूब्स एंड डाइसेस, क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें स्टेटमेंट असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह जितना भी है, बाकी बाइनरी लॉजिक भी देख लेना है, एक बार कैट का पार्ट है बट आ सकता है.
ठीक है, वे और सेम है, पैराजम्बल्स, स्पेलिंग एरर्स, एक्टिव पैसिव देखना है आपको। 17 से 18 दिसंबर में आपको क्विक रिविजन ऑफ फॉर्मुलेस, जितने भी क्वांट्स मैंने पढ़ा है सब अच्छे से फॉर्मुले रिवाइज करो, या जो वीक एरिया उसको करो, या आपको आपको लगता है कुछ मिस हो गया तो वो भी करो आप। ठीक है, रीजनिंग में आपको मिसलेनियस टॉपिक्स देख लो, कुछ टॉपिक्स आपको लगता है अगर बच गए तो वो देखने आपको, बाकी क्विक रिविजन करना है। देन वी आर सी में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स वगैरह देख लो, कुछ आप टोन ऑफ द पैसेज वगैरह पढ़ लो, ठीक है, देन रिविजन वगैरह कर लो वी आर सी का, सेंड्रम सेंट्रम से इडियम्स वगैरह का। तो वैसे ओवरऑल एक प्लान है, अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो आपका हो जाएगा, बाकी टॉपिक्स आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हो, डिसाइड कर सकते हो। जैसे आपको अगर मान लो अर्थमेटिक अच्छे से आती है, आपने कैट दिया है, आपको नंबर थ्योरी या पीएनसी प्रॉपर्टी नहीं आता, तो आप पहले पीएनसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो। गैस जो चीज़ आपको नहीं आती है वो अभी स्टार्ट करो, जो चीज़ आपको आती है वो अभी करने का फायदा नहीं है, फिर बाद में फिर वीक एरिया रह जाएंगे, और हमारा काम क्या है आपको वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बदलना है। ठीक है, और आई गेस कि मैक्सिमम लोगों ने 2 अटेम्प्ट लिए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी गैस जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं, फॉर्म की डेट है 30 तक। ठीक है, तो गैस ये स्नैप की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। अब बात करते हैं गैस एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन की, अगर आपको वाकई स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करना है, बिकॉज मॉक्स तो गैस सब लोग देते ही हैं, मॉक्स देने बड़ी बात नहीं, बट बात आती है जब वैरायटी की तो काफी लोग नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज उनका दे कीप ऑन रिपीटिंग ईयर बाई ईयर। तो हम लोगों ने अपना स्नैप का क्रैश कोर्स निकाला था, ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स पहले 3500 का था, इसकी कॉस्ट अब हमने 2999 कर दी है, बिकॉज काफी फॉर्म से पैसा आपका लग चुका है, तो 500 500 का डिस्काउंट दे दिया। सेम फॉर मॉक्स, मॉक्स हम लोगों के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट एंड रेलिवेंट मॉक्स हैं, जिसमें आपके जैसा स्नैप पेपर आता है बिल्कुल वैसे ही 15 फुल लेंथ मॉक्स अच्छे से एनालाइज करोगे बढ़िया हो जाएगा। इसकी कॉस्ट 1300 थी, बट इसकी कॉस्ट आपको गई 9999, ठीक है, 999, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो गया। ठीक है, आप जैसे ही मॉक्स लेते हो आपको तुरंत पोर्टल में सारे मॉक्स आ जाएंगे, आपको कुछ कहीं कुछ पिंग नहीं करना किसी को। कोर्स गैस जिन लोग का मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर ऑलरेडी आ रहा है, 45 44 ऐसा आ रहा है हम लोग के मॉक्स में, तो उनके लिए ठीक है मॉक्स दो, बट सीरियसली बता रहा हूँ गैस जिनका 30 32 ऐसा स्कोर आ रहा है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं, 99% चांस है कि जल्दी नहीं बढ़ता है स्कोर सिर्फ मॉक्स देने से। अगर मॉक्स देने के साथ आप वीक एरियाज पे काम करके ढंग से कर पा रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आपको वाकई ढंग से करना है तो आप ये वाला कोर्स दे सकते हो, बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, और ये कोर्स आपका इसमें सारी लाइव क्लासेस जो हुई हैं लोग की अगस्त से लेकर अक्टूबर तक सब इसमें है, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और बहुत ही डिटेल में। एक दिन में 3 3 4 4 वीडियोस देखो, बाकी एक मॉक दो, ऐसी स्टडीज रखो। वीडियोस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वैरायटी कवर करनी है, जैसे ज्योमेट्री की उन्होंने 13 क्लासे की हैं, पीएनसी प्रॉपर्टी की 10 क्लासे की हैं, नंबर सी 8 क्लासे की हैं, जो उन्होंने किया है वो तो ठीक है, वो वी आर सी क्वांट सबका मिल जाएगा, बट अभी हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं। अराउंड 200 क्वेश्चन स्नैप के पास पेपर्स के डिस्कस करेंगे लाइव, उसकी 3 क्लासे हो गई थी कैट के बारे, बट कैट के बाद उन्होंने मैंने सोचा था तो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, तो ऑल सेक्शंस सारे सेक्शंस के मिला के 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग लाइव स्नैप के पास पेपर से, वो सब रहेगा, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपने जो उन्होंने करा दिया बेसिक्स एडवांस, आपको वैरायटी सारी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3 क्लास ली है, मतलब ऐसा लिया है कि उसके अलावा आने का चांस ही नहीं है स्नैप में, बिकॉज स्नैप कोई आपको जैट नहीं दे देगा। ठीक है, वैरायटी स्टैटिस्टिक्स की लाइव क्लास ली थी, ये सब तो है, ये साथ में 550 टॉपिक टेस्ट है, पूरा थ्योरी एंड प्रैक्टिस शीट है, और आपका 15 फुल लेंथ स्नैप के मॉक्स है। ये कोर्स आपका बाकी सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, आप कोई भी एग्जाम देते हो सीमैट एसआरसीसी जीवीओ सीईटी टेस्ट, क्योंकि क्वांट्स एलआर डीआरसी डीएस सब में सेम रहता है, तो आपको उसके लिए अलग से कोर्स नहीं खरीदना होगा, बस आप अपग्रेड करा सकते हो उसको। जैसे आपने स्नैप क्रैश कोर्स लिया, आपको टेस्ट देना जीके ले लो, टेस्ट के मॉक्स ले लो, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो गैस बहुत इकोनॉमिकल है, और वाकई अगर निकलना है तो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज स्नैप ऐसा एग्जाम ही नहीं कि आप 1 साल लगे, आपको 1 साल वाला एग्जाम है ही नहीं, वो वैरायटी वाला एग्जाम है। कोई अगर आज भी ढंग से स्टार्ट करता है स्ट्रक्चर लर्नर में तो उसका भी बुरा चांस है सीएम पुणे जाने का, हमने देखे हैं इस एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपको नीड है तो आपको लेना चाहिए गैस, और लग के करोगे तो हो जाएगा, बाकी सब बोर्ड बुरा रहेगा, आप रिव्यूज देख सकते हैं हम लोगों के रिव्यूज एंड रिजल्ट आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है गैस, तो कोई अगर डाउट हो तो यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर 8604734785 मेरा नंबर, और mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको कोर्सेज एंड मॉक्स दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, चलो गैस फिर से बोल रहा हूँ गैस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज लगातार वीडियोज बनेंगे। चलो बाय।